आज मैं बताना चाहूंगी कि गोभी को कैसे साफ किया जाता है अच्छे से, और कीड़ा वगैरह कहाँ है, कैसा है, इसको हम अच्छे से कहाँ से देखेंगे, ये आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैं ले ली हूँ 1/2 kg गोभी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन जो दिख रहा है उसको क्लिक करें, और जो ऑल दिख रहा है उसको सेट करके रखें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं कट कर लूंगी यहाँ से, देखिए इसका डंठल जो है अलग हो गया और इसका जो गोभी वाला पार्ट है वो अलग हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कट करते जाऊंगी, इसका पीस पीस में इसको मैं अलग रखते जाऊंगी। कई कई गोभी में बहुत कीड़े रहते हैं और कई कई में बिल्कुल भी नहीं रहता, तो उसी को हमको देखना है कि इसमें किस टाइप का है, और इसमें आसानी से पता चल जाएगा। इसको मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी इस तरह से, देखिए। अब मैं दिखाती हूँ, इसका जो बंधा रहता है उसको हटा हटा के देखना है कि कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। देखिए बिल्कुल साफ है, एकदम साफ है ये, इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है, मतलब ये गोभी अच्छा साफ वाला गोभी है। देखिए पूरा अच्छे से मैं फैला के दिखा रही हूँ। तो इसी तरह मैं दूसरा वाला भी देख लेती हूँ, ये वाला भी दिखा देते हैं। ये भी पूरी अच्छी तरीके से साफ है। वैसे ही करके मैं एक एक को साफ करते जाऊंगी, कीड़ा रहे या ना रहे फिर भी से हम इसको एक बार गर्म पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे। जिसमें बाय द वे कभी कभी छोटा कीड़ा जो रहता है वो दिखता भी नहीं है, तो उसमें वो पानी में मर जाए गर्म पानी में, इस वजह से हम जब बनाएंगे इसको तो गर्म पानी से एक बार इसको धो लेंगे अच्छे से। देखिए इसमें कीड़ा नहीं है, गोभी अच्छी क्वालिटी का है। जो जो बड़े पीस है उसको मैं छोटा पीस बना लूँगी। गोभी है उसका पार्ट को मैं अलग कर दी हूँ, और जो डंठल है उसको मैं अलग कर दी हूँ। तो जो डंठल जो है ना उसको मैं इसको फेंकूंगी नहीं, बल्कि इसका भी मैं एक सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो इसका व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तो गोभी को यहाँ मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी में गर्म कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं ढक्कन ऑन कर लेती हूँ, और मैं रख देती हूँ गोभी को, और मैं डाल लूंगी इसमें पानी। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, जिसमें अगर इसमें कीड़ा वगैरह हो तो आसानी से निकल जाए। तो इसको मैं ज़्यादा टाइम तक उबालूंगी नहीं, लगभग 4 से 5 मिनट, जिससे पानी गुनगुना हो जाए। और मैं अब इसको पानी और नमक को मिक्स कर लूंगी इस तरह से, और इसका पानी हल्का गुनगुना होने तक ही इसको मैं गर्म करूँगी, जिससे इसमें कीड़ा वगैरह हो तो आसानी से मर जाए। तो इसको मैं हाई फ्लेम पे ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। लगभग 5 मिनट हो चुका है, मैं अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है इसका पानी, और मेरे हिसाब से इसमें एक भी कीड़ा नहीं है। ऐसे गोभी साफ था ही, और गर्म पानी करने के बावजूद भी इसमें कीड़ा नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। अब मैं इसको पानी को फेंक दूंगी और ठंडे पानी से इसको धो लूंगी। उसके बाद अब मैं इसको एक दूसरे बर्तन में डाल दूंगी और ठंडे पानी से इसको धो लूंगी। तो इस तरह से इसको डाल दूंगी और गर्म करके इसको मैं अच्छे से धो लूंगी। देखिए अच्छे से साफ हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब रेडी है मेरा गोभी की सब्जी बनाने के लिए। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा आज का गोभी क्लीन, कैसे किया जाता है।
अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। मिलती है एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।